नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष कुमार भारद्वाज बोकारो से आज आपके साथ लेमन ग्रास के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। ये है लेमन ग्रास, मैं इसे नर्सरी से लाया था। ये जब नर्सरी से आया था तो बहुत छोटा सा था, यहाँ यहाँ तक था। अब ये देखिए कितना बड़ा हो गया, कितने सारे इसमें पत्ते आ गए। इसके बारे में ख़ास बात यह है कि इसे आप चाय में डाल के पी सकते हैं। मैं चाय का शौकीन हूँ, पर जब से ये लेमन ग्रास डाल के मैंने चाय पीना शुरू किया है, आपको बता नहीं सकता हूँ मुझे कितना मज़ा आता है। आप खुद कोशिश करके देख लीजिएगा। इसके जो पत्ते हैं ये बिल्कुल नींबू, एकदम नींबू की तरह सुगंध भी और स्वाद भी, इसीलिए इसका नाम लेमन ग्रास है। इसे आप चाय में डाल के पीजिएगा तो ये आपके पेट के जितने भी बीमारी हैं उसके लिए ये अकेला रामबाण है। चाहे आपको अल्सर हो, अपच हो, गैस बनती हो, कुछ भी हो, ये आपके लिए एकदम, मतलब मैं क्या कहूँ, आपको खुद कोशिश करनी ही होगी। मैं तो आपको सिर्फ बता सकता हूँ, कोशिश करके देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। मैं इस पौधे को उसी, जो बहुत सारे पौधे का गुच्छा भी आपने देखा ना, उसी में से ये एक मैं लाया हूँ। इसकी जड़ आप देखिए, ये क्या आ गया है, इसकी जड़ आप देखिए कितनी खूबसूरत जड़ें हैं। ये सब देख के ना इतना मज़ा आता है कि पता नहीं क्या कहूँ। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे कैसे रिपॉट करते हैं। मैं इसे इस गमले में लगाऊंगा, तो चलिए इसे लगाते हैं। पहले थोड़ी सी मिट्टी डाल दूँ। अच्छा, ये तो बताया नहीं, इसमें नीचे छोटे छोटे आपको छेद दिख रहे होंगे, मैंने इसे थोड़ा ढक दिया है ताकि मिट्टी इससे बाहर नहीं जाए पानी के साथ। ठीक है, पहले इसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दूँ, थोड़ी और डालनी होगी। ये जो मिट्टी है ना, ये आधी बालू, मतलब 50% बालू, और बचे 50% में मिट्टी, खाद, ऐसे ऐसे करके। इसमें आप एक देख लीजिए कि कहाँ तक है। जैसे कि मेरा पौधा इतना बड़ा था तो मैंने इसे इतनी दूरी तक लगाया है। अब आप इसे यहाँ से काट दीजिएगा, ये देखिए, यहाँ से इसे काट देना है, यहाँ से, ये देख रहे हैं, ये इतनी दूरी, लगभग आप अपने एक उंगली के बराबर दूरी रखिए और इसे यूँ काट दीजिए। और इसके जो ये पत्ते हैं ना, इसे आप जाके चाय में डाल के खूब मज़े से चाय पीजिए। ये देखिए, ये हो गया मेरा पौधा। अब मैं इसे ऐसे इसमें लगा देता हूँ और फिर इसके ऊपर से और मिट्टी डालूँगा। ये तो बाहर ही गिर गया। ये रहा, ये मेरा पौधा यहाँ है, और मिट्टी डाल दूँ। और थोड़ी सी मिट्टी। इस मिट्टी के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे कैसे करनी है, 50% में मिट्टी, खाद, और बचे 50% का बालू। एकदम ये ध्यान में रखना चाहिए कि बालू बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि आपको लगता है कि पेड़ सूख रहे हैं तो आप बहुत सारा पानी डालने लगते हैं, लेकिन बहुत सारा पानी भी नहीं डालना है। और मतलब उसी के लिए ये बालू भी डाला जाता है कि अगर आप कभी ज़्यादा पानी डालें तो ये बालू उन्हें सोख लें। थोड़ी मिट्टी और डाल दूँ, थोड़ी मिट्टी और डाल दूँ। चलिए अब इसमें मैं पानी डाल देता हूँ, इसमें अब थोड़ी सी पानी चाहिए, पानी अब डाल दूँगा। ये रहा मेरा पानी। इसमें पहले थोड़ा छींटे से पानी डालता हूँ, फिर ज़्यादा पानी डालूँगा, थोड़े थोड़े करके, धीरे 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 धीरे। अभी नया पौधा लगा है,
इसकी जड़ें भी मजबूत नहीं हुई हैं और पानी डालना नए पौधे के लिए एकदम अनिवार्य है। ये तो आपने हमारे कई पिछले वीडियो में भी देखा होगा। इसमें तब तक पानी डालूंगा जब तक ये पानी नीचे से निकलने नहीं लगेगा। थोड़ा पानी और डाल देता हूँ। ये मुझे लगता है अब ये हो गया। ये हाँ, मिट्टी आप छू के देख सकते हैं कि पानी ठीक है या नहीं। खैर, ये मेरा लग गया। अब ये कुछ ही दिनों में फिर से वैसा ही हरा भरा हो जाएगा जैसा आपने देखा था। अच्छा, मैं तो एक बात भूल ही गया। आप इस लेमन ग्रास को क्या कहूँ, जूस के तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसे सीधे पानी में डालिए और पानी के साथ उबाल के थोड़ी चीनी डालनी हो तो डाल लीजिए, उसके बाद पी लीजिए। इतना मज़ा आएगा ना कि क्या कहूँ। आप पी के देखिएगा। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने अपने लेमन ग्रास की प्लांटिंग कर ली। ये लेमन ग्रास हो गया और इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।